सबसे तेज वेब ब्राउजर कौन सा है? आग बंद करके गूगल क्रोम ब्राउजर दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो यूज होते हैं, जो एज ए ब्राउजर यूज होते हैं, वो गूगल क्रोम ब्राउजर है। लेकिन सबसे बड़ा बात क्या है, हम लोग गूगल क्रोम ब्राउजर के बारे में कितना जानते हैं? ज़्यादा नहीं जानते, सिर्फ इतना ही जानते कैसे टाइप करना है और गूगल सर्च इंजिन में कैसे हमारा जो सर्च पेज ओपन करना है, बस नेट कैसे चालू करते हैं इतना ही जानना है। लेकिन दोस्तों, पहले ज़माने से जैसे गूगल फायरफॉक्स फॉक्स था, अभी जो क्रोम में अपडेट किया है, आपको पता भी नहीं है गूगल क्रोम ब्राउज़र कितना कुछ अपडेट कर चुका है। अगर आपको पता चले तो आप देखते रह जाएगा दोस्तों। आपको ये जो अभी जो गूगल क्रोम ब्राउज़र जो अपडेट किया है, इतना कुछ उसका अंदर भर दिया है, जो आप देखते ही देखते उसको फैन बन जाओगे दोस्तों। सब कुछ जानने के लिए हमारे वीडियो आखिरी तक देखते रहिए दोस्तों। आप देख रहे हैं थियोरिटिकल सम्राट यूट्यूब चैनल। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले हम लोग क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। ऊपर में आपको जो फीचर्स दिखेगा ये दोस्तों मेनू बार, नीचे में यहाँ पे जो फीचर्स दिख रहा है आपको शॉर्टकट्स बार है, और आपको यहाँ पे सर्चिंग बटन देखेगा। यहाँ पे आप ऑब्वियसली रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, बाय वॉइस आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे और भी कुछ है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, न्यू टैब। ये जो क्वालिटी है दोस्तों, यह तो मेरा हिसाब से हर कोई ब्राउजर में होता है, लेकिन सबसे जो मेरे को जो अच्छा लगा है दोस्तों, क्रोम। एक तो पहले जो बात है, क्रोम ब्राउजर जो है सबसे ज़्यादा फास्ट है, क्रोम एमबी में सबसे ज़्यादा फास्ट में काम करते हैं। जैसे कोई भी पहले जो इसका जो वर्जन था फायरफॉक्स का, अगर समझो जो 20 सेकंड में 20 किलोबाइट, अगर 20-30 किलोबाइट अगर एमबी चलता था 2G में, तो वो पेज नहीं ओपन होता था। लेकिन अभी जो अपडेट किया है गूगल कंपनी ने, गूगल क्रोम एज ए गूगल क्रोम, तो ये अगर 20 किलोबाइट भी अगर आपको नेट डाउनलोड होगा तो भी ये पेज ओपन हो जाते हैं। प्लस इसका जो ऑप्शन है, इसका जो फीचर्स है, इतना आसान है। मेरे हिसाब से तो कोई भी ब्राउजर से ये इसका जो फीचर्स है, इसका जो ऑप्शन है, सबसे ज़्यादा आसान है। और दोस्तों, दूसरा जो बात है, यहाँ पे आपको जो ऑप्शन का बटन दिया हुआ है, जो ऐप्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सबसे आसान है। आपको दूसरा कोई एप्लीकेशन का ज़रूरत नहीं, दूसरा कोई ऑप्शन का ज़रूरत नहीं। आपका सिस्टम, कंप्यूटर का सिस्टम चाहे नया है चाहे जूना है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें इतना ज़्यादा फीचर्स दिया हुआ है, आपको दूसरा किसी का ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे आप यहाँ से दोस्तों जो वेब ब्राउजर है तो उसमें भी है, लेकिन इतना अपडेटेड नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको एक एक करके देखा है, अकाउंट है, सर्च, मैप, यूट्यूब, प्ले स्टोर, न्यूज़, गेम, कॉन्ट्रैक्ट, ड्राइव, कैलेंडर, ट्रांसलेट, फोटोज, एंड इतना कुछ यहाँ पे है। आप अगर एक दिन में देखने लग जाओगे तो खत्म नहीं होगा दोस्तों। मैं एक दोस्त जो काले कलेक्टर, आर्ट, क्लासरूम, जैकबोर्ड, ड्यू, ये पूरा के पूरा गूगल गूगल का प्रोडक्ट है, गूगल का ऑप्शन है, ब्लागर ये। और दोस्तों, सबसे बड़ा बात ये है, यहाँ पे जो भी दिख रहा है आपका यूज़ पूरा के पूरा फ्री में दे रहा है। अब मेरे हिसाब से अगर कोई भी वेबसाइट से, कोई भी यहाँ से आप जैसे एज ए ब्लॉगर, एज ए ड्राइव, गूगल ड्राइव अगर यूज़ करने के लिए जाओगे ना, तो आपको पैसा अपने पेट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे आपको गूगल पूरा के पूरा फ्री में दे रहा है। जैसे सिर्फ एक ईमेल अकाउंट बना लीजिए, वो तो कोई भी बना सकता है अभी का टाइम पे। सिर्फ एक ईमेल अकाउंट में आप इसका जो फीचर है पूरा के पूरा यूज़ कर सकते हैं। और जो दोस्तों जो तरीका है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन का बटन दिखाते हैं, यहाँ पे आप इसका जो गूगल क्रोम का जो पेज है, कितना आसानी से ये चेंज कर सकते हैं। आपका
जैसा मर्जी ऐसा आप बना सकते हो, जैसे कलर सेंसिल से लेके शुरू करके कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे आप। अगर यहाँ पे हिस्ट्री का बटन देखा है दिया हुआ है जो आप जितना दिन, अगर 1 महीने पहले भी कोई सर्च हुआ है आपका गूगल क्रोम से, तो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। डाउनलोड का बटन, बुक मार्क, जूम, प्रिंटर, कास्ट, फाइंड, मोड, यहाँ पे मोड टूल में आपको मिल जाएगा सेव पेजेस, क्लियर ब्राउजर डाटा, एक्सेट एक्सेट्रा। डेवलपर टूल्स भी यहाँ पे मिला है दोस्तों। अब अक्सर देखा जाता है जो दोस्तों जो ब्राउजर होते हैं उसमें डेवलपर टूल्स नहीं मिलते, जो भी है यहाँ पे दिया जाता है। और सबसे बड़ा बात है, जैसे एज ए मोबाइल कोई कोई यूज़ करते, कोई कोई मोबाइल का ऑप्शन बहुत क्लियर होते हैं, ईजी होते हैं, तो ब्राउज़र का बात ऐसा है इतना ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं हर कोई ब्राउज़र में, जो इतना आसान नहीं होते किसी भी तरह वो सेटिंग सेट करना और दूसरा किसी को हेल्प करना पड़ते। तो मेरा हिसाब से गूगल क्रोम का जो सेटिंग है इतना आसान तरीके से सेटअप कर किया है, और ये नया नया जैसे अपडेट कर रहा है, तो कोई भी अगर कोई भी पढ़ सकते हो तो इसको सेटिंग आसानी से सेटअप कर सकते। तो मैं इसका ज़रा सेटिंग से घुमाते दोस्तों। इसका जो सेटिंग है यहाँ से, तो अगर मैं एक एक करके बताने जाऊँगा तो पूरा रात निकल जाएगा, तो भी ये ख़त्म नहीं होगा। तो मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत इसके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे जो दोस्तों साइनिक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये जो क्रोम ब्राउजर है पूरा के पूरा आपका आपका जैसे मर्जी से ऐसे ब्राउजर चलने वाला है। और गूगल क्रोम का जो सेटिंग है वो आपका हिसाब से चला सकते, पूरा के पूरा सेटिंग आपको जैसे ही मर्जी ऐसे चलेगा। और दूसरा जो साइनिक अगर नहीं करना चाहते, कोई कोई पहले पहले साइनिक करने में थोड़ा दिक्कत हो जाते, तो अगर सिर्फ साइनिक के ऊपर एक वीडियो बनाना पड़े तो मैं पूरा डिटेल्स में बता पाऊंगा, क्योंकि अगर सबके बारे में पूरा डिटेल्स में बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे ही वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। फिर भी मैं शॉर्टकट थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ इसके बारे में दोस्तों। यहाँ पे जो ऑटो फिल दिख रहा है, यहाँ पे आपका अपना पासवर्ड, पेमेंट मेथड, एड्रेस और मोड, यहाँ पे जब ऑटो फिल में आ जाएगा, फिर रेफरेंस ऑप्शन आएगा, डिफरेंट ब्राउजर आएगा, फिर सेटअप आएगा, और सबसे एडवांस ऑप्शन में जाएगा, आप लैंग्वेज सेट कर सकते आसानी से। फिर आपका जो लैंग्वेज आएगा, अगर आपका कोई स्पेलिंग भूल हो जाते हैं तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक गूगल क्रोम ब्राउजर आपको सुधार सकते, ऑटोमेटिक करेक्शन कर लेते हैं। लैंग्वेज आप वर्ल्ड में जितने भी लैंग्वेज है वो आप पूरा के पूरा ऐसे सेंस कर सकते। प्लस यहाँ पे आपको लोकेशन सेट कर सकते, कहाँ पे भी जाके आपको एड्रेस आप ढूंढ सकते, कोई भी आपको एड्रेस पता कर सकते आसानी से। आप ये प्रिंट भी कर सकते, आपका जो पेज है आसानी से प्रिंट भी कर सकते, प्लस गूगल क्रोम प्रिंट भी करा सकते। और फिर एड एक्सेसिबिलिटी एंड फीचर्स, कंटिन्यू रनिंग, बैकग्राउंड एफर्स एंड क्रोम क्लोज्ड, इतना आसान है दोस्तों। सबसे बड़ा बात ये है, अगर आपको कोई ऐसे गलती से कुछ भी अगर उल्टा सीधा हो जाते तो आप सिर्फ एक ही क्लिक से पूरा के पूरा सिस्टम रिस्टोर कर सकते। आपको सेटिंग में जाके सबसे नीचे आना पड़ेगा, एडवांस में आके यहाँ पे रिस्टोर सेटिंग ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे जाके अगर दोस्तों आप रिस्टोर में क्लिक कर दोगे तो आपका सिस्टम पूरा के पूरा नया हो जाएगा। तो उम्मीद रखता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। अब इतना शॉर्ट टाइम पे पूरा के पूरा डिटेल्स देना संभव नहीं है, क्योंकि एक एक फीचर्स के बारे में अगर बात करूंगा तो बहुत टाइम लगने वाला है। और तो अगर आपको किसी भी फीचर्स के बारे में जानकारी लेना है तो मेरे को कमेंट्स कीजिए, मैं उसका वही सिर्फ वही ऑप्शन को पूरा एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा। उम्मीद रखता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और हमारा कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाना, और हमारा चैनल को और जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। और उम्मीद रखता हूँ हमेशा हमारा सपने रहेगा नया नया तरीका सीखने के लिए। हाँ, सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर नज़र बनाए रखेगा। धन्यवाद दोस्तों।